नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। शाहजहांपुर में ब्राह्मण सभा सम्मेलन के लिए चल रही तैयारियां जोरों पर। शाहजहांपुर में बीएसपी राष्ट्रीय सचिव और सांसद तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात एडवोकेट माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी 4 अगस्त को शाहजहांपुर में ब्राह्मण सभा का आयोजन करेंगे। कोतवाली चौक इलाके में स्थित मैरी लॉन में ब्राह्मण सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्राह्मण समाज की एकजुटता दिखेगी और दूर दराज से आने वाले सभी ब्राह्मण सभा के लोग सभा को संबोधित करेंगे। शाहजहांपुर के बीएसपी नेता सर्वेश मिश्रा उर्फ धांधू ने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की हत्या करवाई गई थी, जिससे आज ब्राह्मण समाज योगी सरकार को निशाने पर रखते हुए सभा करेगी, जिसमें उनका कहना है कि इस बार बीजेपी को करारा जवाब देकर बीएसपी की सरकार बनाने की ठान ली है। मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 4 तारीख को यानी कि 4 अगस्त को 11 बजे दुर्गा टाकीज हिंदुस्तान मरी लॉन में हमारे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आ रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्य अतिथि हैं, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल तय हो चुका है और बाकी तैयारी चल रही है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। नगर विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी लोगों के, मैंने गांव में पड़ताल की तो काफ़ी लोग आपकी तारीफ करते नजर आए, ऐसी क्या वजह है जो आपको लोग लाइक कर रहे हैं? पिछले 25-30 सालों से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। सामाजिक कार्य के माध्यम से और वकालत के माध्यम से हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता को न्याय दिला रहे हैं। जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पर हम जनता के साथ खड़े होते हैं। और ये कारण ये भी है कि प्रदेश सरकार जो है, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों के ऊपर जो है अत्याचार किया है और 900 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या करवाई हैं और इनकाउंटर करवाए हैं, फर्जी इनकाउंटर करवाए गए हैं। अगर CBI जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेल में होंगे, ये भी कारण है। दूसरा कारण है कि भ्रष्टाचार में लिप्त वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री, जिनके पास चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भी है, जो कोरोना काल में जो मशीनें श्री सुरेश कुमार खन्ना कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न कंपनियों से खरीदी थी, उन कंपनियों पर रोक लगी थी, फिर भी जो 4-5 गुने दामों पर खरीदी गई हैं, उसकी अगर ठीक रूप से अगर जांच हो जाए तो सुरेश कुमार खन्ना भी सलाखों में होंगे, जेल में होंगे। ये जनता जानती है कि भ्रष्टाचार में सुरेश कुमार खन्ना एवं सुरेश कुमार खन्ना के OSD आलोक कुमार भी लिप्त हैं। हम मांग करते हैं कि ये सुरेश कुमार खन्ना ने जो घोटाला किया है कोरोना काल में जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीनें, जो यंत्र मंगाए गए थे, उन यंत्रों में 4-5 गुने दाम पर खरीदे गए हैं, उसकी जांच कराई जाए, हमारी मांग है।